हेलो गाइस, तो आज मैं आपके साथ ऐसी ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ ना जो मुझे आज तक नहीं पता थी और बहुत से लोगों को नहीं पता होगी। तो चलो, एक एक कल के जो पर्ल्स होते हैं ना वो कैसे बनाने हैं, मैं आपको इजी ट्रिक आज बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमने चेन ले ली है, चेन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, वो साइज़ आप अपने हिसाब से ले सकते हो, दो फिंगर को मिला के भी आप सेम साइज़ ले सकते हो। उसके बाद एक वायर लेनी है, वायर में हमने पर्ल डाल दिया है और दोनों पर्ल के दोनों साइड हमने सेम साइज़ की चेन डाल दी है, ठीक है। फिर जो वायर है वो हमको थोड़ी बड़ी लेनी है, क्योंकि मैंने पहले छोटी ले ली थी तो वो वेस्ट गई थी, तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि थोड़ी सी बड़ी लेनी है ताकि जब हम उसको फोल्ड करें तो एक वायर को इधर से फोल्ड करके अंदर से उधर साइड से निकालना है इस तरीके से कुछ। तो उसके बाद देखो ये थोड़ा सा निकल गया है। अब दूसरी साइड के जो वायर है ना उसको भी हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और दूसरी तरफ से उसको भी निकाल लेना है, ठीक है। तो वायर अगर अच्छे से निकलेगी तो आप उसको अच्छे से खींच पाओगे। तो मैंने एक तरफ से दोनों तरफ से एक एक प्लायर ले लिया है और इसको अच्छे से खींच लिया है, ठीक है। अच्छे से खींच लेने के बाद ना वो दोनों वायर अंदर चली जाती है और आपको ये एक्स्ट्रा वायर जो है वो कट कर लेनी है। तो देखो हमारा चेन के बीच में पर्ल आ गया है। तो मैंने सोचा नहीं था कि इस तरीके से भी पर्ल को इंसर्ट कर सकते हैं चेन में, क्योंकि हमेशा मैं सोचती रहती थी कि यार चेन में पर्ल आता कैसे, कर कैसे सकते हैं उसको कनेक्ट, या तो जंप रिंग से, बट वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो मैंने सारे जो पर्ल्स है वो ऐसे ही कनेक्ट किए हैं। तो चलो ये एक चेन का तो हमने बना, एक पर्ल का तो हमने बना लिए, दोनों साइड से चेन थी तो अब एक साइड से ऑलरेडी चेन है, तो हम इसमें वायर इंसर्ट करेंगे और सेम प्रोसेस करेंगे। मतलब मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि वायर लेनी है, फिर से उसको अंदर डालेंगे, एक तरफ से चेन है, ठीक है, तो एक तरफ से पर्ल डालेंगे और दूसरी साइड से चेन, मतलब बीच में पर्ल होना चाहिए, दोनों साइड से चेन, फिर दोनों साइड से हम अच्छे से फोल्ड करके इस साइड उस साइड निकाल लेंगे वायर को और फिर प्लायर की हेल्प से फिर से हम उसको खींच लेंगे अच्छे से। इतना भी नहीं खींचना है कि वो पूरा टूट जाए या फिर वायर ही पूरी निकल जाए, वैसा भी नहीं खींचना है, सिर्फ एंड तक उसको कर लेना है ताकि वो दिखे नहीं और हम वायर कट कर देंगे। तो देखो कितना बढ़िया पर्ल नेकलेस हमारा रेडी हो गया है। लास्ट में मैंने ना जंप रिंग अटैच कर दी थी, तो जंप रिंग अटैच करके आपको लॉबस्टर हुक जो है वो लगा लेना है। आप अपने हिसाब से चेन को तोड़ के भी अच्छे से कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ। तो ये मैंने खुद के लिए बनाया है, तो मैंने डायरेक्टली उसमें चेन अटैच कर दी है और ये मैंने एस हुक जो है वो अटैच कर दिया। एस हुक समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने लॉबस्टर हुक अटैच किया, तो देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना।